ये फिल्म जो है इसका नाम है बांके की क्रेजी बारात। ये बारात अपने आप में बहुत क्रेजी है। क्योंकि एक प्रॉक्सी वेडिंग के बारे में है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत शादियाँ अटेंड की, हर आदमी ने की होती है, लेकिन सबसे क्रेज़ी बारात जो मुझे याद है, जो हालांकि हमारी जो बारात है वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, लेकिन ये भी कुछ कम क्रेज़ी नहीं थी। मैं लड़की वालों की साइड से था, और आपको जैसे मालूम है कि जब बारात आती है लड़की वाले दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं सब थाल वाल लेकर, ताकि वो लड़के वाले आए उनको रिसीव किया जाए। फिर वो फूल मालाएँ होती हैं, वर मालाएँ वगैरह जो भी होती हैं, पैसे एक्सचेंज होते हैं, और वो सेहरा पड़ा जाता है, एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो लड़का जो था वो घोड़ी पे था, और सब पीछे डांस वांस कर रहे थे। और आपको मालूम है पंजाबी बारातों में तो क्या होता है कि दरवाजे पर आकर कुछ ज़्यादा ही डांस में उत्तेजना आ जाती है, बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है, तो दबा के सब डांस कर रहे थे। अचानक किसी ने एक पटाखों की लड़ी लगा दी। अब लड़ी लगाई तो घोड़ी जो थी वो बिदक गई। अब दूल्हा बैठा हुआ था उस पर, घोड़ी बिदकी और उसने घोड़ी ने यू टर्न मारा और घोड़ी वहाँ से गैलप हो गई। ऐसा लगा जैसे वो तब रेस की घोड़ी है, वहाँ तक फड़ाक 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 करके ना जाने कितनी दूर चली गई। और लड़के का बाप बेचारा परेशान, उसने वहाँ किसी का वो बजाज स्कूटर खड़ा हुआ था, उसने वो स्कूटर लिया, किक मारी, और उसके पीछे अब लड़के का बाप और लड़के का चाचा स्कूटर पे घोड़ी की तरफ गए, और सब परेशान के पता नहीं अब लड़का जो दूल्हा है वो घोड़ी पे था वो गिरेगा, क्या होगा, उसको चोट लगेगी, किस हाल में वापस आता है, आता भी है कि नहीं आता। तो वहाँ गए वो, और वो जो घोड़ी ने जाके दूल्हे को आगे गिरा दिया। तो उन्होंने उसको बिठाया स्कूटर पे। अब वो तीन आदमी जो है, बीच में दूल्हा बैठा हुआ है, आगे पिताजी चला रहे हैं, पीछे चाचा बैठा हुआ है, और दूल्हे ने वो अपना सेहरा वेहरा कुछ उल्टा सीधा हो गया था उसका, वो सेट किया हुआ है, तो मतलब उसकी जो झालर थी वो पीछे थी, जो झालर आगे होनी चाहिए लेकिन वो पीछे थी। तो ये सब एक फ़नी सा एक विजुअल, और वो आया वहाँ पर। तो लेकिन जो डांस वाले थे, जो डांस कर रहे थे लड़के के यार दोस्त, उनको डांस उनका बाकी था, तो उन्होंने कहा हम जाएंगे नहीं, हमारा डांस ख़त्म नहीं हुआ अभी, हम तो और डांस करेंगे। तो अब जो है उस पॉइंट से वो घोड़ी नहीं आई, चले आगे चली, वो स्कूटर आगे चला। अब वो स्कूटर के पीछे डांस करते 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 लड़की वालों के यहाँ घर तक आए, और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, और लड़का बुरी हाल में था, कपड़े उसके सारे काफ़ी फट चुके थे, कई जगह से खून निकल रहा था, और एक जगह कुछ शर्ट वर्ट उसकी शेरवानी वगैरह सब फटी हुई थी। तो ये एक बहुत ही क्रेज़ी सीन था अपने आप। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि बांके की क्रेजी बारात एक बहुत ही क्रेजी बारात है। प्लीज सी बांके की क्रेजी बारात। ढाबे पे कोई दूसरा लंडा तैयार हो रहा है, बस पे लिखा है बांके की शादी। तो भैया बांके की शादी है कि बाकियों की शादी है, कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए।